हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा, जिसके लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया है और ये 8 प्याज को मैंने काट के चॉपर कर लिया है और मैंने इसमें टमाटर ले लिए हैं ये, और ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट ले लिया है। इसमें 2 पोटी लहसुन है और 20 मिर्चें हैं। अब ये सब मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। अब मैं इसको आगे पका के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने मसालों में ये 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले लिया है और ये 2 टेबल स्पून पिसी धनिया का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन करके कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब जब ये पानी जल जाएगा तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स, देखिए, अब ये कुकर ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। ये 2 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया है। अब जब ये तेल से धुआं निकलने लगेगा तब मैं इसमें प्याज को ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल से धुआं निकलने लगा है। अब मैं इसमें ये चॉपर करी हुई प्याज को ऐड करूंगी और फ्राई करूंगी। ये देखिए, मैंने प्याज को ऐड कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये प्याज एकदम रेड हो जाएगी तब मैं बाकी का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मुझे एक हाथ में कैमरा रहता है और एक हाथ में सुबह पकाती हूँ, इसलिए मैं इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शाम का बज गया है 6 और मेरा इस वक्त चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो चलते हैं साथ में चाय बनाते हैं। चाय के पैन को मैंने चढ़ा दिया है। किस किस को मेरी तरह शाम होते ही चाय की क्रेविंग होने लगती है, आगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी इसमें शुगर, 1/3 स्पून शुगर इसमें ऐड करूँगी। और ऐड करती हूँ मैं इसमें चाय पत्ती। टू टेबल स्पून इसमें चाय पत्ती ऐड करती हूँ। साथ साथ मैं प्याज को चलाती रहूँगी ताकि ये प्याज जले ना। अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें मटन को ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी प्याज लाल हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मटन। मटन को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मटन को डायरेक्ट प्याज के बाद अगर आप ऐड करेंगे तो फिर मटन बहुत ज़्यादा सौंधा पकता है। अगर पहले मसाले ऐड करेंगे तो फिर मटन अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता अच्छे से। ये पहले मटन ऐड करें। अब ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़े और फ्राई हो तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे गोश्त ने थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर दिया है और ये कितना अच्छा दिखने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डाल के भूनने से बहुत सौंधा गोश्त पकता है। सिर्फ मैं हल्दी और नमक इसमें ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के इस गोश्त को फ्राई किया है तो ये कितना गोल्डन गोल्डन सा फ्राई हो रहा है। देखिए आप, ये मटन कितना ज़्यादा अच्छा फ्राई हो रहा है।
का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे बकरीद के गोश्त का होता है बिल्कुल वैसा ही मटन लग रहा है, क्योंकि इसमें हल्दी और नमक ऐड करके आप इसको जब तेल में प्याज के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत सोंधा गोश्त पकता है। अगर आप ऐसे पकाते हैं तो वेल डन, और नहीं पकाते तो एक बार ट्राई करें इस तरीके से। अब मेरा गोश्त गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड करूँगी, बाकी में पानी डाल के मैं इसमें डालती हूँ। ये देखिए बाकी में मैंने पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया मटन में। अब मैं इसमें टमाटरों को डाल दूंगी, मैंने ऑफ कैमरा इन टमाटर को कट कर लिया था, अब मैं टमाटर ऐड करूंगी इसमें। अब मैं टमाटर और ये लहसुन मिर्ची के पेस्ट के साथ खूब भूंजूंगी, इतना भूंजूंगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए जितना मैंने डाला है अभी। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आगे का मेथड आपको दिखा दूँगी। जब तक मेरा गोश्त हो रहा था तो मेरी चाय पक के रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको छान के पी लूँ और ये गोश्त का पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा बचा है, थोड़ा और ड्राई हो जाए तो मैं इसमें बाकी के बचे हुए मसालों को ऐड करके और सीटी लगा दूँगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे मटन का पानी ड्राई हो गया है, अब मैं इसमें बाकी के मसालों को ऐड करूंगी, जिसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची है। साथ ही साथ इसमें ये दो तेजपत्ता के चार टुकड़े करके इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इस मटन में ये एक गिलास के तकरीबन पानी ऐड करके और इसमें सीटी लगा देती हूँ, दो सीटी आने दूंगी, तीसरी सीटी भर लूँगी क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। इसमें मैं दो सीटी लगाऊंगी और एक सीटी इसमें भर दूंगी, मटन जल्दी पक जाता है, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें तीन सीटी आ चुकी है, अब मैं इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ओपन करके उसको भूंजूंगी। फ्रेंड्स, जब तक मेरा ये कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैं राइस को चढ़ा देती हूँ। राइस को मैंने धो के चढ़ा दिया है। और इसमें इतना साल्ट डाल देंगे, इस ढक्कन को मैंने लगा दिया है। अब एक सीटी इसमें आने देंगे और एक सीटी भर देंगे, बहुत आराम से चावल पक जाते हैं ना, इसमें चावल जलते हैं खूब बढ़िया गल जाते हैं। अब मेरा कुकर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ। अब इसमें जितना भी पानी है सारे पानी को मैं ड्राई कर लूंगी। ये सरस की 250 ग्राम की दही है, मैं इसको आधी दही इसमें ऐड कर लूंगी, आधी दही इसमें ऐड कर लूंगी। दही ऐड करने से गोश्त बहुत टेस्टी पकता है। इतनी दही मैंने रोक ली है।
एक किलो गोश्त में ये 100 ग्राम के तकरीबन दही ठीक है। पानी के साथ साथ दही भी अच्छे से गल जाएगी। ये मेरे राइस पक चुके हैं, अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। पानी इसका ड्राई हो जाए तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जब तक मेरा गोश्त गूंज रहा था मैंने ऑफ कैमरा अपना आटा गूंज लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गोश्त पूरा अच्छे से गूंज गया है। अब मैं इसको हरी धनिया से गार्निश कर दूँगी। तरीके से मटन आप पकाएं, मटन बहुत टेस्टी पकता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा ये सालन दाल चुकी हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसको ढक दूंगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये मेरा गोश्त पक के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको इस बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा पका है। देखिए अभी तक ये खौल रहा है। ये देखिए, इस तरीके से मटन बनाएं और आप खुद खाएं, अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। इस तरीके से मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी पकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मटन पक के रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पका है। और आप इस तरीके से पकाएं, खुद खाएं और अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। और मेरा वीडियो कैसा लगा आकर कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय।